यूपी की सियासत में फिर हो सकता है बड़ा उलटफेर। राहुल, अखिलेश, मायावती और ओपी राजभर क्या होंगे एक? विपक्ष के एक हो जाने से क्या घबराई है बीजेपी? अखिलेश यादव को मिला था राहुल गांधी का न्योता। साथ आने के लिए मायावती को भी मिली थी चिट्ठी। बुजुर्ग कहते हैं कि यूपी की सियासत में कुछ भी संभव है। सब यहाँ के नेताओं में हौसला और कुछ कर जाने की जिद होनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऐसा माहौल बन गया है कि यूपी में सारे विपक्षी एक साथ आने को तैयार हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि साहब बात फतेह की है। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती, जयंत चौधरी और ओपी राजभर के साथ पूरा विपक्ष एक साथ आने को तैयार हो गया है। आपको बता दें कि राहुल की यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 9 राज्यों में करीब 2800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यूपी में यात्रा से पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री शिवपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान, सतीश चंद्र मिश्र सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साथ दम दिखाया था, लेकिन दोनों दल मोदी लहर में बिखर गए। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की ये कोशिश काम नहीं आई। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के जरिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और श्रवण वर्ग को पार्टी के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि जनाधार को 2024 के चुनाव में मुख्य धारा में लाया जा सके। ये वजह कि पार्टी ने केवल पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ साथ दूसरे दलों के बड़े नेताओं को भी न्योता भेज दिया गया है। इस पर पत्रकारों से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अतः जी, क्या लगता है? हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी? वहीं दूसरी ओर कोरोना को देखते हुए सरकार भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, तो इसकी सियासत की गर्मी को देखते हुए कोरोना संक्रमण का हवाला दिया जा सकता है। खैर, अब माहौल गर्म होने के बाद पूरे प्रदेश की नज़र अब इस यात्रा पर गड़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती और दूसरे नेता इस यात्रा में शामिल होते हैं तो यूपी की सियासत दूसरी ओर करवट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।